ये टॉपिक देखो लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में ही चलेंगे, जो वेरिएशन ऑफ जी की बात कर रहे थे। तो जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन तो किया था कि जी का मतलब जो था लास्ट क्लास के पॉइंट से ये था, जो हम लोगों ने फोर्सेस कैलकुलेट की थी, ये वाले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहोगे। तो इसमें रिजल्ट ये था कि आउटसाइड के केस में अगर स्फीयर के बाहर की तरफ कोई पॉइंट होता है तो ग्रेविटी जी की वैल्यू, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलोगे और इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहोगे, दोनों चीजें सेम है, तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वो था अगर कोई पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा तब। और सरफेस पर भी यही फॉर्मूला लगाते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन जब कोई पॉइंट हम लोगों ने इनसाइड चूज किया था तो वहां पर रिजल्ट अलग लगाया था, वहां पर जी का रिजल्ट ये आया था लास्ट क्लास से, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर बाई आर क्यूब। तो इसी को वेरिएशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, देखो स्मॉल जी का जो वेरिएशन है, तो जी एट द सरफेस उसी कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करके। तो अगर हम कोई पार्टिकल सरफेस पर है तो यहाँ पर ग्रेविटी जी की वैल्यू एट द सरफेस, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा, वैल्यू नहीं एक्सप्रेशन ऑफ जी एट द सरफेस, कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिस प्लेनेट की बात करेंगे उसका मास, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ जी है। हाइट पर जाने का मतलब हम लोग स्फीयर के आउटसाइड हैं, तो स्फीयर के आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू निकालने के लिए, सेम एक्सप्रेशन आएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय जो हमारा फॉर्मूला था, उसको एक बार ध्यान से देखना। फॉर्मूले में जब आउटसाइड के पॉइंट की बात की थी हम लोगों ने, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल आर स्क्वायर चूज करते हो और स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस होता है, टोटल फ्रॉम सेंटर टू द आउटसाइड पॉइंट का जो डिस्टेंस स्मॉल आर है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो इसे उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पुट करेंगे वो उसमें डिस्टेंस सेंटर से कंसिडर करोगे, तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस उसका रेडियस, और उसके भी ऊपर एच हाइट पे जा रहे हैं, दैट मीन डिनोमिनेटर में आर प्लस एच होल स्क्वायर ये रखेंगे आउटसाइड के केस में। और जी बिलो द सरफेस का मतलब इनसाइड वाला स्फीयर हो गया, तो इनसाइड वाला जो फॉर्मूला था हमारा प्रीवियस क्लास में, कैपिटल जी इंटू एम इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये रिजल्ट लगाओ इसमें इनसाइड वाले केस में, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू चाहिए प्रीवियस रिजल्ट से, ये जी की वैल्यू रहेगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बट इसमें भी जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर को इन टर्म्स ऑफ एच लिखना चाहोगे अगर, तो अगर हम लोग सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं, सरफेस से एच डिस्टेंस नीचे की तरफ, तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच, ये डिस्टेंस रखेंगे इसमें। तो इस तरीके से वेरिएशन ऑफ जी मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर निकालते हैं, और इनमें क्या करते हैं हम लोग, जो वैल्यू ऑफ जी सरफेस पर निकाली है उसको जी एस से डिनोट कर रहे हैं, जी सरफेस, एबव वाले को हम जी ए से डिनोट कर रहे हैं, ग्रेविटी एबव, और अंदर जाने पर हम इसको जी बी से डिनोट कर रहे हैं, बी फॉर द बिलो। सो ग्रेविटी बिलो जी बी से डिनोट कर देते हैं, ग्रेविटी एबव जी ए से, और ग्रेविटी एट द सरफेस जी एस से। इसके बाद एक और काम करते हो, ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसको कंपेयर भी करते हो, मतलब जो ग्रेविटी अबव है और ग्रेविटी ऑन द सरफेस है इनको आपस में कंपेयर भी करते हो। तो कंपैरिजन ऐसे कर सकते हो, ग्रेविटी अबव इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वायर, उसमें से कैपिटल आर को कॉमन करेंगे, आर प्लस एच स्क्वायर में से कैपिटल आर कॉमन ले लें, तो कैपिटल आर स्क्वायर आउटसाइड रहेगा और डिनोमिनेटर में वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन ग्रेविटी की वैल्यू है लेकिन सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू है, तो यहाँ से लिख सकते हो जी एट द हाइट, दैट मीन ग्रेविटी अबव विल बी इक्वल टू ग्रेविटी एट द सरफेस डिवाइडेड बाय वन प्लस एच ओवर आर स्क्वायर, ये रिजल्ट यहाँ पर लगाओगे, वन प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही इनसाइड वाले को भी कंपेयर कर सकते हो, जो इनसाइड वाली ग्रेविटी है, ग्रेविटी बिलो द सरफेस वाले को भी, उसमें भी क्या काम करे, जी इंटू कैपिटल एम, ऊपर आर माइनस एच है, नीचे जो आर क्यूब है उसमें से आर स्क्वायर को अलग कर दें और एक आर को अलग कर दो आप इधर डिवाइड में, अलग अलग कर दें आर क्यूब में से। वैसे ये जो जी एम बाई आर स्क्वायर है इसको लिख सकते हो ग्रेविटी
ऑन द सर्फेस एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर और प्लेनेट, तो जी बिलो विल बी इक्वल टू ग्रेविटी विच इज ऑन द सर्फेस, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 1 - h/R. इस तरीके से रिजल्ट सरफेस के कंपैरिजन में निकाल सकते हो, रिलेटिव टू द सरफेस, सरफेस से कंपेयर करेंगे कि सरफेस पर जो भी ग्रेविटी होगी वो डिवाइडेड बाय 1 + h/r², और ऐसे ही यहाँ पर सरफेस पर जो ग्रेविटी होगी इनटू 1 - h/r. ये दो रिजल्ट्स लगा सकते हो. और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आता है इसमें. उसमें ये कहते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस, जो यूजुअली हम 9.8 ही मानते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस यूजुअली 9.8 लेते हैं, फिलहाल हम इसको 10 m/s² मान के चल रहे हैं. देन वैल्यू ऑफ जी अबव, सपोज कोई हाइट आपको दी जाएगी मान लो, तो अबव हाइट विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस. तो अब ये कैसे निकालेंगे, या फिर ऐसे पूछा जाए आपसे कि ग्रेविटी, व्हाट इज द ग्रेविटी बिलो द सरफेस एट डेप्थ, उसकी कुछ डेप्थ दे दी जाएगी तुम्हें, सपोज डेप्थ r/4 दे दी गई, तो इसमें इस टाइप के फॉर्मूले लगा लो आप ये वाला रिजल्ट, ग्रेविटी अबव इक्वल्स टू ग्रेविटी विच इज ऑन द सरफेस और 1 + h/r² तो पहले वाले केस में तो ये लगाएंगे जिसमें अबव निकालना है आपको, तो ग्रेविटी अबव विल बी इक्वल टू सरफेस पर 10 है डिवाइडेड बाय 1, हाइट की वैल्यू 1/2r दी गई है, तो h/r चाहिए होता है हमें, तो h 1/2r और डिवाइडेड बाय यहाँ पर r h/r एंड इसका होल स्क्वायर. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यू बन जाएगी इसमें, और बिलो सरफेस में निकालना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ग्रेविटी अबव और ग्रेविटी बिलो के रिजल्ट्स क्या हैं, तो ग्रेविटी बिलो में सरफेस पर और इनटू 1 - h/r. तो सेकंड पार्ट में ये ग्रेविटी बिलो वाला फॉर्मूला लगाइए, ग्रेविटी एट द सरफेस 10 इनटू 1 माइनस जो भी उसकी डेप्थ दी जाएगी, r/4 डेप्थ दी गई है, तो h r/4 और डिवाइडेड बाय r, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे. सिंपल सा क्वेश्चन है. इसी में एक और पार्ट आता है लैटिट्यूड के साथ वेरिएशन, जिसमें अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट लेते हो कि अर्थ अगर रोटेट करती है मान ले तो उसका सर, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए, देख लो. ये लास्ट क्लास से कनेक्ट करना होगा आपको, एक्चुअली लास्ट क्लास किया होगा तभी समझ आएगा ये. यस सर, ये चीज देखने की जरूरत है. ठीक, इसमें अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट लेना होता है. जैसे कि अर्थ को हम कहते हैं कि अपनी एक्सिस के अबाउट वो ओमेगा वेलोसिटी से मान लीजिए रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर ना प्रीवियस क्लास के सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कंसेप्ट, कि अगर हम इसको अलग अलग पॉइंट्स पर लें, जैसे कि पार्टिकल इक्वेटर पे है मान लें, तो इसमें वो लगाना है आपको कंसेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द रोटेटिंग फ्रेम. तो अगर कोई मास m, अगर कोई मास हमारा इक्वेटर पे है, तो उस पर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगी जरा ध्यान से देखना है इसमें. इक्वेटर वाले पॉइंट पर, इक्वेटर वाले पॉइंट पर एक तो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन लॉ वाले फॉर्मूले से लिखोगे, तो ये फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर. और क्योंकि पार्टिकल सर्फेस के ऊपर रखा गया है तो वहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लगेगा आउटसाइड डायरेक्शन में, तो एक बाहर के साइड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस की वजह से और एक अंदर ग्रेविटी की फोर्स. और क्योंकि अर्थ का रोटेशन कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाओगे आप. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा हम लोग एक्सिस से बाहर की तरफ दिखाते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है उससे बाहर की तरफ, यानी सेंटर से बाहर जाता हुआ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर कनेक्ट करोगे आप, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का. तो इससे जब नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे ना एट इक्वेटर, इक्वेटर वाले पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल की वैल्यू क्या बनेगी, तो नॉर्मल और प्लस उसके साथ में, नॉर्मल के साथ में मतलब जिस तरफ नॉर्मल लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है, नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल सेम डायरेक्शन में लग रहे, तो एन प्लस सेंट्रीफ्यूगल यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, ये दोनों मिल करके ग्रेविटेशनल फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को बैलेंस करेंगे. यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू लिखोगे, एम कॉमन करेंगे और यहाँ से बनेगा ये जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. और
ये जो टर्म है जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको रिकॉल करो, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जो टर्म अभी हम लोगों ने डिराइव किया था पीछे, इसको जी एम बाई आर स्क्वायर को जी एट सरफेस, तो जी एट सरफेस था, लेकिन इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जो हो रहा है, ये चीज कहलाती है आपकी दिस इफेक्टिव वैल्यू, मतलब अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू होती है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस। मतलब कि अगर हम रोटेशन को इग्नोर करते हैं तब ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पर जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर बनती है, लेकिन अगर आप रोटेशन को कंसिडर करते हो तो फिर ये चेंज होती है, तब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और हो जाता है। मतलब तो इसी को कंसिडर करना है आपको, वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड का मतलब एक तरीके से अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करने पर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। मतलब इसके पिछले पेज पे जो रिजल्ट है ये दैट ग्रेविटी एट सर्फेस इज जी एम बाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट अर्थ के रोटेशन को अवॉइड करके लिया जा रहा है, और ये जो रिजल्ट है इसमें अर्थ का रोटेशन कंसिडर करके ले रहे हो आप, ओमेगा स्क्वायर आर को कंसिडर किया जा रहा है। मतलब कि अगर हम लिख दे रहे पूरा नेगलेक्टिंग अर्थ रोटेशन, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में लिखा हो कि नेगलेक्ट द अर्थ रोटेशन, तब आपको ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पर जब लिखोगे तो ग्रेविटी एट सरफेस की वैल्यू लिखी जाएगी जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा इसमें। और अगर उसको कंसिडर करके करते हो, कंसिडर करें अर्थ के रोटेशन को, तो फिर ग्रेविटी एट द सर्फेस की वैल्यू डिफर कर जाती है और वो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसमें ऐसे भी पूछते हैं कि अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करने पर ग्रेविटी की वैल्यू में कितने फ्रैक्शन का चेंज आ रहा है, अगर ये पूछा जाए कि मतलब कितना फ्रैक्शन चेंज होता है अगर अर्थ का रोटेशन कंसिडर करते हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आंसर बनना चाहिए इसमें, देखो अब अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करें और एक ना कंसिडर करें तो इक्वल टू बिना रोटेशन के वो जी एम बाई आर स्क्वायर था और विद रोटेशन वो जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, तो जो चेंज हो रहा उसके अंदर, जो चेंज आ रहा आपको अर्थ के रोटेट करने की वजह से, तो विदाउट रोटेशन जी एम बाई आर स्क्वायर, विद रोटेशन जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है यही चेंज हो रहा है इसमें। और फ्रैक्शन निकालना है आपको तो क्या करोगे, जो चेंज है ओमेगा स्क्वायर आर चेंज हो रहा है और डिवाइडेड बाय विदाउट रोटेशन जो उसकी वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर विदाउट रोटेशन, तो जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विदाउट रोटेशन इसकी वैल्यू, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज चेंज पूछेंगे तो अपने आप इसमें 100 और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये फ्रैक्शनल चेंज मैंने बताया कितना होगा ये, जस्ट अगर रोटेशन को कंसिडर करते हैं तो। और इक्वेटर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इक्वेटर स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर इसको जनरलाइज करते हो किसी जनरल लैटिट्यूड पर, जिसको हम लोग लैम्डा एंगल से डिनोट करते हैं, लैटिट्यूड मतलब ये लैम्डा एंगल की बात करते हैं कि अगर ये लैम्डा के फॉर्म में देखें तो क्या आंसर आएगा, तो अब इसको भी देखो आप जनरलाइज करें अगर, तो किसी और एल्टीट्यूड पर जाने में सॉरी किसी और लैटिट्यूड पर जाने पर ग्रेविटेशन की फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी, जिसको जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर डिनोट करते हो, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमेशा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ दिखाना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ दिखेंगे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटसाइड, दो ये फोर्सेस होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब दिखाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सर्कुलर मोशन के चैप्टर में भी बताया था मैंने, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ हाँ इसका ध्यान रखना कि जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर साइड पर दिखाना आपको ये, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर और बाहर जाता हुआ दिखाओगे आप ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कि एम ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर भी एक पॉइंट ध्यान रखने वाला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले में एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हो, लेकिन वो जो आर था उसके बारे में भी हम लोगों ने हाईलाइट किया था सर्कुलर मोशन में, कि ये आर पार्टिकल और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल है और ये जो एक्सिस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला छोटा आर लिख रहे हैं इसको स्मॉल आर, ये डिस्टेंस हमको चाहिए सेंट्रीफ्यूगल में। सेंट्रीफ्यूगल के दो बातें ध्यान रखनी होती हैं, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए, अवे फ्रॉम द एक्सिस होना चाहिए, और एम ओमेगा स्क्वायर आर में जो आर होगा वो पार्टिकल और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस को अर्थ के रेडियस और लैटिट्यूड एंगल लैम्डा से डिनोट कर सकते हो। ध्यान से करोगे, हाँ ये अगर कैपिटल आर है और यहाँ पर ये लैम्डा एंगल बनेगा ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से, तो स्मॉल आर की वैल्यू अलग से ट्रायंगल बनाओगे आप, तो
उस ट्रायंगल में एक कैपिटल आर डिस्टेंस बन रहा है, ये एंगल लैम्डा बन रहा और ये स्मॉल आर बन रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री से निकालोगे स्मॉल आर की वैल्यू, सही बोला इसने कि कैपिटल आर कॉस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा, ये बनेगी। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ आ रही है, नॉर्मल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन अलग है, और सेंट्रीफ्यूगल इनसे कुछ एंगल बना रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल और ग्रेविटेशन दोनों से कुछ किसी एंगल पर है, तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और उसका एक कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्टेन करेंगे कि कितना बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। तो ये पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और नॉर्मल वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा सेंट्रीफ्यूगल और नॉर्मल के बीच, ये एंगल भी हाँ पैरेलल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से लैम्डा होगी, तो सेंट्रीफ्यूगल वाले का जो कंपोनेंट बनेगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में, ठीक है जी, इस तरफ नॉर्मल की साइड पर, तो इस तरफ आप चेक करोगे वेक्टर के हिसाब से, तो इसका कंपोनेंट आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ये तो है वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इनटू क्योंकि ये लैम्डा एंगल पर है तो कंपोनेंट करेंगे तो एक बार कॉस लैम्डा की वैल्यू फिर आएगी, जो दूसरा वाला कॉस लैम्डा है वो कंपोनेंट की वजह से आ रहा है और पहला वाला कॉस लैम्डा स्मॉल आर को कैलकुलेट करने की वजह से आ रहा है, एक स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा, तो एक लैम्डा यहाँ पर कॉस लैम्डा स्मॉल आर के कैलकुलेशन में आ रहा है वो, और दूसरा वाला कॉस लैम्डा इस वेक्टर को रिजॉल्व करने की वजह से आ रहा है, यानी इसके कंपोनेंट करने की वजह से आ रहा है। दोनों को मिला करके अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ कि नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, तो इस बार नॉर्मल प्लस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल की डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये मिल करके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो सेंटर की तरफ है यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे। और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से देखो क्या बनता है, स्मॉल एम को फिर से कॉमन ले लीजिए, तो इनसाइड ब्रैकेट बचेगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस उसके साथ जो टर्म आ रही है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली कंपोनेंट को राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे अगर और स्मॉल एम को कॉमन ले लिया है तो ओमेगा स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब ये जो पूरा फैक्टर है एम के साथ, इसको बोलोगे आप इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, दिस इज जी इफेक्टिव, क्योंकि पहले हमारा जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बनता था जी एम बाय आर स्क्वायर, उसमें फिर से कुछ कम हो रहा और वो हो रहा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। स्पेसिफिक केस में इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वहां से डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, और पोल्स पर जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, पोल्स पर मतलब पोल्स पर लैटिट्यूड एंगल लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री, तो अगर वैल्यू ऑफ जी एट पोल निकालोगे तो पोल पर लैम्डा 90 होने की वजह से कॉस स्क्वायर 90 जीरो हो जाएगा, तो फिर जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर पोल पर, इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू जीरो निकालेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, सो जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और इक्वेटर और पोल के बीच में किसी एंगल पर अगर दे रखा है आपको तो उसके हिसाब से ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा है, ये वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव बनती है। इस तरीके से मतलब ग्रेविटी की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। एंड सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे है, मतलब किस चीज में जाएगा वो? टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो पार्टिकल और अर्थ की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उससे बैलेंस होगा, तो उसको हम लोगों ने इसलिए नहीं कंसिडर किया है कि न्यूटन लॉ के चैप्टर में भी मैंने एक चीज बताई थी कि जो बॉडी का एपरेंट वेट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। जब हम लोग वेट सर, तो हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि पोल पे और इक्वेटर पे डिफरेंस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ राइट, तो वो हम लोग नॉर्मल के इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि एपरेंट वेट हमेशा नॉर्मल से आता है, वेइंग मशीन से लेकर के स्प्रिंग बैलेंस से लेकर के सब जगह एपरेंट वेट के कंसेप्ट बताए गए थे आपको, तो वही लॉजिक यहाँ पर लगा रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल का दूसरा कंपोनेंट जो अर्थ के टेंजेंट पर है वो फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली फ्रिक्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है। यस सर, ये कंसेप्ट है। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें टॉपिक एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये तो एक बार फ्रैक्शनल चेंज बता दीजिए फिर से, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। फ्रैक्शनल चेंज इससे निकाला था कि अर्थ की रोटेशन को नेगलेक्ट करने पर ग्रेविटी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर है, नेगलेक्ट करने पर,
और रोटेशन को कंसीडर करने पर, एक में नेगलेक्ट करना है और एक में कंसीडर करना है, तो कंसीडर करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब इतना लेस कर रहे हैं उसमें से, तो नेगलेक्ट करने वाले एक्सप्रेशन में से और कंसीडर करने वाले एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो डिफरेंस, वो ओमेगा स्क्वायर आर है। तो यही मेरा चेंज हो रहा है जब हम अर्थ का रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो जो चेंज हुआ है वो, और डिवाइडेड बाई जो पहले वाली वैल्यू थी वो फ्रैक्शन निकाला जा रहा है इसमें, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इसको देखो बच्चा, क्योंकि आज का मेन टॉपिक यही है, ये तो लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि ये भी वर्क एनर्जी पावर से कनेक्टेड है, तो इसमें आपको देखो एम बता दिया गया है क्या करना है मेरे को, ताकि आप चाहोगे तो खुद भी कर सकते हो। मेरा एम क्या है इस टॉपिक में वो बता दूं आपको। पहले तो हम वर्क निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड पार्टिकल। उसके बाद एक ये जो कंसेप्ट है, ये वर्क एनर्जी पावर में था, अभी कितना याद है तुम लोग को वो देखना पड़ेगा आपको भी, कि वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में ये बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी अगर ये याद होगा तब तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कहा गया था इट इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, हां जी, तो ये पुराना कंसेप्ट है, मैंने पहले बता दूं, और वर्क डन भी हमारा पुराना कंसेप्ट है, मतलब ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, वर्क भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मतलब ये पूरा चीज वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस हो चुकी है। तो हम सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे इसमें, हमें क्या करना है, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा है जिसका मास मान लेते हैं एम है, तो हमें इसका वर्क निकालना है कि वर्क कितना हुआ ग्रेविटी की वजह से। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एफ इस तरफ दिखाओगे सेंटर की तरफ, और उसका फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लगाएंगे फोर्स, और क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, स्मॉल आर के साथ ये वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्सेस के वर्क को निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर फोर्स, और इसके साथ हम डी आर मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डी आर, मतलब एक्सप्रेशन पहले लिख दे रहे हैं क्या करना चाहिए आपको, मतलब ये जनरलाइज फॉर्मूला वर्क का दिया गया था कि वर्क इज इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड इंटू कॉस थीटा, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला था, मतलब अगर आप वेरिएबल फोर्सेस के लिए बात करो तो इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप इसमें वेरिएबल में मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालेंगे तो वो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ डीएस यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर ना छोटा सा अमाउंट डीआर मानेंगे, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट डीआर मानेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड, और इंटू कॉस थीटा, तो क्योंकि फोर्स भी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ जा रही है, और बॉडी का मोशन भी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कॉस जीरो डिग्री। अब मैंने डीएस को जानबूझ करके छोड़ा है, उसका एक रीजन बताऊं क्या है। अब ये मैथमेटिक्स में शायद आपने पढ़ रखा होगा, मॉडुलस की एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है आपको, कि जब आप मॉडुलस ऑफ एनी वेरिएबल को एक्सपेंड करते हो, यानी कि मॉड को रिमूव करते हो वहां से, तो इसको नहीं तो प्लस एक्स लिखते हो अगर ये पॉजिटिव है, या फिर माइनस एक्स लिखते हो अगर ये नेगेटिव है, मतलब मॉड के अंदर वाली वैल्यू का साइन देखना पड़ता है। yes, तो यहाँ पर जो dr है, अगर हम बात करें कि ये dr पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर नेगेटिव क्वांटिटी है, इसके बारे में देखना पड़ेगा आपको जो dr की वैल्यू है, बिकॉज dr एक चेंज को इंडिकेट करता है, और क्योंकि हम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ आ रहे हो, यानी कि r डिक्रीज हो रहा है इस केस में। जब हम ए टू बी जाएंगे, बॉडी का मोशन ए टू बी जाएगा, इसका मतलब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और मैथमेटिक्स में कैलकुलस ये कहता है कि जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसका जो चेंज आता है, मतलब डेल्टा आर कह लो या उसको डी आर कह लो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, डेल्टा आर या फिर डी आर, दोनों में से, तो ये वैल्यू ये कही जाती है कि डिक्रीजिंग क्वांटिटीज के लिए जो चेंजेस होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। तो ये जो मॉड ऑफ डी आर खोलेंगे हम, क्योंकि dr हमारा नेगेटिव है, तो जब आप मॉड ऑफ dr को एक्सपेंड करोगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन लगा करके मैथमेटिक्स के, तो इसको एक्सपेंड करने पर इसके आगे आपको लगाना पड़ेगा एक माइनस का साइन, माइनस ऑफ dr,
बिकॉज डी आर एक नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आर की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पर. जो फाइनल वैल्यू ऑफ आर है वो लेस है और इनिशियल वैल्यू ऑफ आर ज्यादा है. तो हम मॉड ऑफ डीएस को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा रहे हैं, ना भूलना, माइनस ऑफ डी आर लगा के करिएगा इसको. और अब लिमिट्स क्या रखेंगे, तो बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई थी, तो जब हम लोग ए पॉइंट पर थे तो हमारा जो डिस्टेंस था वो आर आई था, और जब हम बी पॉइंट पर गए तो हमारा डिस्टेंस हो गया आर एफ, आर आई से आर एफ की. अब इसको कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है यहाँ से. वर्क का जो रिजल्ट बनेगा वो जी कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ये बाहर हो गया, माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के इनसाइड आर टू द पावर माइनस टू इंटू डी आर फ्रॉम आर आई टू आर एफ ये रखू. देख लो आराम से क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या बन रही है. आर टू द पावर माइनस टू, आर टू द पावर माइनस टू को आप पावर वाले रूल से इंटीग्रेट करो भाई, तो ये आर टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, एन प्लस वन एड करते हो और माइनस टू प्लस वन, और इसकी लिमिट भी रखोगे अभी, लोअर लिमिट आर आई और अपर लिमिट आर एफ. तो जरा एक बार और इसके आगे का कैलकुलेशन करो अपने आप की, क्या बनेगा वर्क इसके हिसाब से. ये वर्क बना. अब इसके बाद हमने कहा ना, मेरा एम ये था पहले वर्क निकालेंगे, देन यूजिंग द कंसेप्ट दैट द वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब हम इसको कहेंगे माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट. यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल. ये रिजल्ट एक बार देख लो क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी आती है आप लोग के यहाँ. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस ये एक्सप्रेशन. इसको एक बार देख लो कैसे बनाई है. कोई इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है, पहले बता दूं आपको, ये कंसेप्ट है प्रीवियस चैप्टर के. इस चैप्टर में कोई नया कंसेप्ट नहीं आ रहा, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि फोर्स का फॉर्मूला जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है, बस इतना ही नया है. सर हाँ सर, जब हम वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, जब आपने स्टार्टिंग में यही बताया था वेरिएबल फोर्स वाला, सर वहाँ पे हम जैसे डी एक्स लेते थे तो डी एक्स के बारे में तब हम मॉडुलस का डिस्कशन तो करते नहीं थे, तो ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी ना कभी वहाँ पर, हमें कभी वहाँ पर जरूरत पड़ी नहीं थी जरूरत, क्योंकि वहां पर जो फोर्स का फंक्शन लिया जाता था उसके अंदर फोर्स एक्स का फंक्शन दिया जाता था, वो फंक्शन अपने आप साइन को एडजस्ट करता था. लेकिन ये जो जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन ही बनेगा आपका, ये कभी नेगेटिव नहीं बनेगा. इस वजह से ओके सर, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से चीजें होती हैं ऐसी. ये एक्सप्रेशन बना यार, यू फाइनल इक्वल्स टू यू इनिशियल प्लस इतना. मैथ है, मतलब इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा आपसे, कोई पुराना कंसेप्ट है. और अब इसके बाद वर्क एनर्जी पावर में एक और बात कही गई थी हमें कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं की जाती है, कहीं ना कहीं उसका एक रेफरेंस मानना पड़ता है हमें, किसी न किसी पॉइंट को रेफरेंस मानना पड़ता है और कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो भी मानना पड़ता है हमें. तो उस पॉइंट को फिर से लगाओ यहां पर, ठीक है. इस केस में रेफरेंस कहां पर मानेंगे, कौन से पॉइंट को रेफरेंस मानेंगे और कहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे. तो यहां पर फाइनल यहाँ पे आ रहा है. नहीं नहीं सुनो, बता रहे यहाँ पर क्या होता है, एक कन्वेंशन है, रूल तो नहीं है बट एक कन्वेंशन है यार, रूल नहीं कन्वेंशन है. सिवांस माइक म्यूट करो भाई. यहाँ पर एक कन्वेंशन ये लिया जाता है कि आप इन्फिनिटी, मतलब जहां पर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले. अगेन कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कई सालों से ये कन्वेंशन चला आ रहा है कि फोर्स जब जीरो होगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे. और फोर्स का एक्सप्रेशन है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू स्मॉल आर के कौन सी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जीरो आएगी, अगर हमसे पूछे जाए स्मॉल आर की क्या वैल्यू रखेंगे जिसमें कि फोर्स जीरो मिले आपको, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर में स्मॉल आर अगर आप इन्फाइनेट रख दोगे, स्मॉल आर की वैल्यू इन्फिनिटी, तब जाकर के फोर्स जीरो होगी और बाय कन्वेंशन हम वहीं पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी को मानते हैं.
सो ये है एज ऑलवेज द चॉइस ऑफ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है आपको, चॉइस ऑफ रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली आर्बिट्री. फिर से बोला जा रहा है कि चॉइस आपकी है, इसमें कोई रूल नहीं है. बट जो कस्टमरी मतलब चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, सालों सालों से चला आ रहा है, तो डिफाइन द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन एज दैट फॉर विच द फोर्स इज जीरो, मतलब इन्फिनिटी. सो वी एज्यूम दैट फॉर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. तो ऐसे केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो है, मतलब एज अ रेफरेंस, यानी कि हम अगर ये मान लें कि जो मेरा पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पर था, मान लेते हैं कि पॉइंट ए इन्फिनिटी पर था, एज्यूम करें कि पॉइंट ए इन्फिनिटी पर, तो रेफरेंस के हिसाब से पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम जीरो लिख देंगे. हम एज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट ए इन्फिनिटी पर है पहले, यानी कि जो आर आई है वो इनफाइनाइट है, आर आई की वैल्यू को इन्फिनिटी रखेंगे, आर आई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पुट कर रहे हैं. आर आई इन्फिनिटी एंड करस्पॉन्डिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो जब आप आर आई को इन्फिनिटी रखोगे और करस्पॉन्डिंग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रख दोगे, तो फिर फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, दैट पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जीरो आ जाएगा और माइनस वन बाई स्मॉल आर. तो यहाँ से जाकर के हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इन्फिनिटी पर जीरो मानते हो, देन पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन डिस्टेंस स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर. ये रिजल्ट बन रहा है आपका फाइनल रिजल्ट, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर. पहला वाला हमारा रेफरेंस है, हमने माना है कि इन्फिनिटी पर जीरो वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर. ये यहीं से बन रहा, फिर से देख लो आप, आर आई को इनफाइनाइट, सो वन अपॉन इनफाइनाइट हो गया जीरो और करस्पॉन्डिंगली यू इनिशियल को वैल्यू को जीरो मान लिया गया है, तो ये भी यू आई का टर्म जीरो हो गया, वन अपॉन आर आई का टर्म जीरो हो गया, सो यू फाइनल इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और यहाँ पर माइनस वन बाई आर. इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. ठीक है, और इसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे जब, तो इसका ग्राफ बेसिकली क्या बनेगा, पहली बात तो ये माइनस में है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस में है, तो ग्राफ हमेशा नेगेटिव साइड पर बनेगा. और जब हम सरफेस पर रहेंगे, मतलब अगर कोई पॉइंट आप सरफेस पर लेते हो, तो सरफेस पर लेने का मतलब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी कैपिटल आर के बराबर, मतलब स्फीयर के रेडियस के बराबर, तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस. और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो. तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर इन्फिनिटी पर जीरो, ये रेफरेंस क्वांटिटी है, फिर से बोल रहा हूँ आपको. तो पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, और जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये वैल्यू जीरो की तरफ चलती चली जाएगी, और एक मैथमेटिक्स के हिसाब से ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ है, मैथमेटिक्स के हिसाब से हाइपरबोलिक ग्राफ. माइनस मतलब फिर से बता रहा हूं आपको, देखो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, यहाँ पर कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से माना जाए तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो हमेशा नेगेटिव आ रही है, ऑलवेज नेगेटिव. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो लिख रहे हैं जो कि एट इन्फिनिटी है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर है, जो कि सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर होगा. इतना इस तरीके से पूरा रिजल्ट बन रहा है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर एंड फाइनली रीचिंग टू द जीरो वैल्यू. ये ग्राफ है इसका, माइनस जी एम बाय आर से जीरो की तरफ. मैथ्स में इसको हाइपरबोला बोलते हैं एक्चुअली, अगर मैथमेटिक्स में कोई पूछे कि इस ग्राफ का नाम क्या है तो आप इसको हाइपरबोला, एक्चुअली जहां पर भी रेसिप्रोकल आएगा वो रेसिप्रोकल हमेशा हाइपरबोला होते, मतलब वन बाई आर का टर्म जहां पर भी आएगा ये हमेशा हाइपरबोला है.
फिलहाल अभी हमारे मतलब की चीज जो यहाँ पर है वो ये फॉर्मूला है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. ये हमारे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये मेरा मेन रिजल्ट है जिसको हमें डिराइव करना था यहाँ पर. और एक चीज बताते हैं आपको, देखो ये जो डेरिवेशन मैंने की है, इस डेरिवेशन में क्या किया गया है, हम लोगों ने ये डेरिवेशन किसी प्लैनेट और पार्टिकल के लिए किया है. मतलब एक प्लैनेट ऑफ मास एम मतलब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और उसके बाहर एक पार्टिकल. मतलब ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है वो बिटवीन द स्फीयर एंड अ पार्टिकल है. मतलब कैपिटल एम हमारे स्फीयर का मास है और स्मॉल एम पार्टिकल का मास है, और वो पार्टिकल स्फीयर के बाहर होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, स्फीयर के अंदर नहीं होना चाहिए. रीजन उसका स्फीयर के अंदर ना होने का क्या है, क्यों अंदर ना हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे अगर स्फीयर के अंदर हुआ तो. तो एक बार फिर आपको प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा. स्फीयर के अंदर आने पर एक्सप्रेशन बदल जाता है जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई आर क्यूब. मतलब ग्रेविटी की वैल्यू स्फीयर के अंदर अलग तरीके से निकाली जाती है, यानी फोर्स का फॉर्मूला बदल जाएगा. तो जो भी ये डेरिवेशन की गई है इसकी दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी. एक तो ये डेरिवेशन वैलिड होगा फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड अ पार्टिकल. दूसरा, लोकेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट बी आउटसाइड द स्फीयर. इनसाइड द स्फीयर का रिजल्ट अलग है, वो भी डिराइव करेंगे, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, कुछ टाइम बात करेंगे. और तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा माइनस में चल रही है. थर्ड पॉइंट, ऑलवेज नेगेटिव. माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि जो हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वो तो अलग पढ़ी थी. अगर आप वर्क वाले में याद करो तो वर्क वाले में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और था. मतलब पहले हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MGH के नाम से पढ़ा था. तो क्या ये गलत फॉर्मूला है या फिर ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है ये वाला सही फॉर्मूला है? मतलब कौन सा सही है इसमें से? सर, इसमें H की जगह R ले लिया है और G की जगह GMM upon R square. नहीं, वो नहीं है. स्मॉल R की बात करो. स्मॉल R. देखो, इस बात को समझना होगा आपको. ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर. जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी स्फीयर से, मतलब अर्थ की बात करें तो अर्थ भी हमारा प्लेनेट ही है, स्फेरिकल प्लेनेट है अर्थ भी. तो ये रिजल्ट आपको क्या कह रहा है पहले वो समझो आप, कि अगर हम अर्थ जो कि हमारे लिए स्फेरिकल प्लेनेट है, सेंटर उसका रेडियस आर मान लें, और सपोज इससे एच हाइट पर है हम लोग, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर मान लें, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया है, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू समझो, अभी जो डिराइव किया है वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. लेकिन स्मॉल आर के बारे में ध्यान रखो, स्मॉल आर जब भी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. आप फिगर्स पर भी ध्यान दो, ये जितनी भी डिस्टेंस आपको दिखाई जा रही है फिगर में वो सब सेंटर ऑफ स्फीयर से दिखाई जा रही है. सेंटर से आर आई डिस्टेंस, सेंटर से आर एफ डिस्टेंस. तो अगर हम सरफेस से एच हाइट ऊपर है, अगर ये एच हाइट सरफेस से ली जा रही है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर कोई पार्टिकल है अगर, तो नेचुरली सेंटर से जो उसका डिस्टेंस हुआ वो आर प्लस एच का हुआ. और यही वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय, सेंटर से डिस्टेंस लिखेंगे तो वो आर प्लस एच, ये बनेगा आपका आंसर. और ये भी तब बन रहा जब हम क्या मान के चल रहे हैं, ये भी फॉर्मूला तब बन रहा जब हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम इन्फिनिटी पर होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी. ये मान के चल रहे हैं कि जब हम इन्फिनिटी पे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगा. तो इस हिसाब से जब हम सरफेस पर होंगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम अर्थ के सरफेस पर होकर के कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहाँ पर कैपिटल आर. और ये एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा है इसके, ये एक्सप्रेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट पे. तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो, हाइट पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच, और सरफेस पर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर. अब एक चीज नोटिस करो, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, इनका डिफरेंस निकालें अगर, हाइट और सरफेस का डिफरेंस, तो हाइट वाला फॉर्मूला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच,
और माइनस है सरफेस वाला फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसको कॉमन कर लेंगे और यहां पर बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे उसके साथ एक पॉइंट और लगाने जा रहे हैं, एक पॉइंट यहां पर और यूज करेंगे ये चीज कि जो कैपिटल जी इंटू एम है इसको रिप्लेस कर सकते हो स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर से. कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम रिप्लेस बाय स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर, स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर से. तो जो कैपिटल जी इंटू एम है इसको रिप्लेस करने जा रहे, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर और एक छोटा एम ऑलरेडी है यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर एच आ जाएगा और नीचे r इंटू आर प्लस एच बनेगा. ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा आपका यहाँ पर. अब इसमें अगर एक अप्रोक्सीमेशन लगाओ, अगर एक अप्रोक्सीमेशन ये लगाएं कि जो हाइट h है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू रेडियस, अगर ये अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो यही रिजल्ट क्या बनता है. देखो अब डिनोमिनेटर में जो r प्लस एच है अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो R प्लस एच को हम लगभग R लिख सकते हैं अगर H की वैल्यू बहुत छोटी है तो. और अगर R प्लस एच को अगर लगभग R लिखते हो तो अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ये कैपिटल R स्क्वायर और डिनोमिनेटर का ये R स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या बचेगा आपके पास आंसर MGH. तो ये कुछ गलत तो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने पहले, और उस समय भी अगर हमको आप लोग लेक्चर नोट्स को ध्यान से देखोगे तब भी मैंने यही कहा था कि MGH किसी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो सरफेस और हाइट के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता था. और तब हम लोग उस केस में हम लोग सरफेस पे जीरो लेते थे, इस केस में हम लोग इन्फिनिटी पे जीरो ले रहे. तो फर्क क्या पड़ रहा है, वैल्यू डिफरेंस तो MGH ही आ रहा है ना. सरफेस और हाइट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो तो तब भी MGH था और आज भी MGH है. Yes, sir. Potential energy का difference ही obtain कर सकते हैं हम लोग. बस ये है MGH. यानी कि जो MGH आपने पढ़ा था वो एक special case था. MGH वाला formula एक special case था. एक तरीके से कह सकते हो कि low heights के लिए था वो. काफी छोटी heights के लिए potential energy की value MGH है. लेकिन अगर height बड़ी हो जाती है, object का surface से height काफी ज्यादा है, तो MGH वाला formula ना लगा करके हम लोग minus g capital M small m by r plus h लगाते हैं. और जब प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्लैनेटरी मोशंस की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं. तो प्लैनेटरी मोशंस में, सैटेलाइट के मोशन में, या इस टाइप की ग्रेविटेशन से, एस्ट्रोफिजिक्स जिसको बोलते हो आप एस्ट्रोफिजिक्स में, उसमें MGH का कंसेप्ट नहीं लगाते बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को पढ़ते हो जो अर्थ के सर्फेस से काफ़ी काफ़ी लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हैं. वो सब कितने लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं वो. तो MGH का फॉर्मूला ग्रेविटेशन के चैप्टर में नहीं लगाते हैं. रीज़न सैटेलाइट और प्लेनेट के बारे में डिस्कशन करते हो आप यहाँ पर. वर्क एनर्जी पावर में नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें हम लोग पढ़ते थे, तो डेली लाइफ की चीजें तो लो हाइट पे ही होंगी. मतलब डे टू डे लाइफ की जिन चीजों को आप देखते हो वो तो कम ही हाइट पर है, तो वहाँ MGH का फॉर्मूला वैलिड था. यहाँ पर भी वो वैलिड है लेकिन मतलब का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक है, सो ये ध्यान रखने वाली बात है. मतलब इस चैप्टर में अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स में हमको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर. अच्छा एक और चीज बताते हैं, हालांकि हमने इतना टाइम दिया है इसके ऊपर और ये डेरिवेशन मैंने स्फीयर और पार्टिकल के लिए की है, लेकिन प्रीवियस ही क्लास में एक और बात मैंने आपसे कही थी प्रीवियस क्लास में कि स्फीयर एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसका बिहेवियर अगर आप उसके आउटसाइड पॉइंट्स पर हो, ये पॉइंट ध्यान रखना कि उनकी जो फील्ड होती है एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए, एक्सटीरियर पॉइंट्स पर स्फीयर बिहेव वैसा ही बिहेव करता है सेम वे एज इफ द टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. मतलब कि स्फीयर का बिहेवियर पार्टिकल के जैसा ही होता है. तो इस पॉइंट को यहां पर मिलाते हैं. देखो ये डेरिवेशन की जा रही है स्फीयर और एक पार्टिकल के बीच में, लेकिन यही फॉर्मूला तब भी वैलिड होगा जब हमारा दोनों मासेस पार्टिकल के फॉर्म में आ जाए. यहाँ पर एक मास स्फीयर के फॉर्म में है, एक मास पार्टिकल के फॉर्म में है. अगर ये दोनों स्फीयर के फॉर्म में होते या दोनों पार्टिकल के फॉर्म में होते तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है. तो वी डिराइव द पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर द पार्टिकल एंड अर्थ सिस्टम
but it can be applied to any two particles or any two spherically symmetrical massive objects. मतलब जो पहला वाला फिगर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पर, उसमें m1 m2 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैलिड है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, सेम फॉर्मूला. दोनों मासेस अगर स्फीयर की फॉर्म में है तब भी पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला काम करेगा, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर. बट थर्ड वाली फिगर मैंने जानबूझ करके ली है, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्यूब के फॉर्म में ले रखा है और एक ऑब्जेक्ट हमने स्फीयर के फॉर्म में ले रखा है. नाउ इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप लिखते हो कि इट इज माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, तब ये गलत एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट ये नहीं आएगा. मतलब ये जो रिजल्ट आपको बताया जा रहा है, ये रिजल्ट किन कंडीशंस में काम करेगा वो ध्यान रखने वाला है. या तो दोनों मासेस पार्टिकल हों, या दोनों ही मासेस स्फीयर हों, या एक स्फीयर हो और एक पार्टिकल हो. पार्टिकल और स्फीयर, इन्हीं की बात करेंगे. और ये फिर से बता रहा हूँ, ये रीजनेबल जस्टिफाइड है, बिकॉज न्यूटन का सारा स्टडी प्लैनेट्स के ऊपर है और कोई भी प्लैनेट क्यूबिकल शेप का नहीं है, तो सारे प्लैनेट स्फेरिकल शेप के हैं, लगभग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब, तो उन्होंने रिजल्ट भी स्फीयर और पार्टिकल के लिए ही डिराइव कर रखा था. क्यूब के लिए कोई रिजल्ट डिराइव है नहीं पहले का, और ना ही इसकी कोई जरूरत भी है, इसकी कोई जरूरत है भी नहीं, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम इस फॉर्मूले का यूज ही नहीं कर रहे हैं. डे टू डे लाइफ में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए MGH यूज कर रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में क्यूबिकल ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता कहीं पर, तो कोई रेलिवेंसी नहीं है कि इसको पढ़ा जाए और इसके बारे में डिस्कस किया जाए. बट इतना होना चाहिए कि हाँ, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है इसके लिए. मतलब अगर मन में ये आएगा भाई क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो कोई जरूरत भी नहीं उस फॉर्मूले की, क्योंकि कहाँ लगाओगे इस फॉर्मूले को आप, अगर डिराइव कर भी लेंगे तो लगाएंगे कहाँ पर उसको. एस्ट्रोफिजिक्स में जरूरत नहीं है, और नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ की में इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, वहां तो MGH की जरूरत पड़ती है हमें. सो ये दो ही केसेस आएंगे आपके सामने. हाँ, एक रिंग का केस आता है, पता नहीं तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं सुना है. कभी कभी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग बनती है, मतलब तो वो रिंग्स को लेकर सैटर्न में भी है. सैटर्न, हाँ हाँ, यस सर, सैटर्न और यूरेनस. हाँ, तो वो रिंग का पढ़ोगे आप, बिकॉज एस्ट्रोफिजिक्स में रिंग्स की जरूरत पड़ती है हमें, बट उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ती. तो उसके अलावा अगर कहीं पर तुम्हें कोई पूछे भी, तो उसको स्किप कर जाओ, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर. अच्छा, ये हम लोगों ने एक और बात बता दें आपको आगे बढ़ने से पहले, अभी जो डेरिवेशन की गई है वो दो पार्टिकल्स को लेके की जा रही है, या दो स्फीयर को लेके की जा रही है, या फिर एक स्फीयर और एक पार्टिकल. बट इस एक्सप्रेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, अगर दो से ज्यादा पार्टिकल होंगे तब भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर. जैसे कि इस फिगर में तीन पार्टिकल्स है, एम वन एम टू एम थ्री, सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स, मे बी फोर पार्टिकल, मे बी फाइव पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एक्सटेंड होते हैं हमारे पास, तो भी हमारे को फिर से डेराइव करने की जरूरत नहीं है. तब आपका क्या लिखा गया, देखो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज द, आपको सम करना पड़ेगा, सम ओवर ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल, और ईच पेयर कंट्रीब्यूट्स अ टर्म ऑफ द फॉर्म डिस्कस्ड जस्ट नाउ. फॉर्म डिस्कस का मतलब जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर. समझा देते हैं आपको, इस तीन पार्टिकल में आपके पेयर कौन कौन से बनेंगे देखूं. तो पहला पेयर बनेगा इसमें पेयर ऑफ m1 m2. तो जो पेयर ऑफ m1 m2 है, इससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस. उसके बाद नेक्स्ट पेयर इसमें बनेगा पेयर ऑफ m2 m3. तो पेयर ऑफ m2 m3 के लिए भी आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, माइनस जी m2 m3 डिवाइडेड बाय इनका डिस्टेंस. और इसके बाद एक तीसरा पेयर इसमें और बन जाएगा, तीन पार्टिकल्स में पेयर ऑफ m1 एंड m3 मास, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस जी m1 m3 डिवाइडेड बाय r13. और फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप इनको सम कर दें, तीनों को ऐड कर दें. यानी इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r12, माइनस जी m2 m3 डिवाइडेड बाय r23, और माइनस जी एम थ्री एम वन डिवाइडेड बाय आर वन थ्री. ये टोटल आंसर होगा. जितने ज्यादा पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा पेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, उतने ज्यादा टर्म्स आती जाएंगे आपके. तो ईच पेयर विल कंट्रीब्यूट अ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बता सकते हो आप. अगर ईच पेयर की बात करें, एक पेयर आपको एक टर्म देगा. तो अगर हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं तो तीन पेयर बनेंगे. चार पार्टिकल होने पर कितने पेयर बनेंगे. अगर कहीं पर सिस्टम में चार पार्टिकल्स हैं तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन,
छह पेयर बन जाएंगे. पांच पार्टिकल्स अगर है मान लीजिए तो दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप वहां पर, मतलब फाइव पार्टिकल्स में अगर आप बात करेंगे तो फाइव पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पेयर्स, ये कुछ वैसा ही हो गया कि अगर एक रूम के अंदर पांच लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा सब लोग एक दूसरे से अगर मिलाते हैं तो? सर 15. उतने टर्म आएंगे. तो जितने एक पेयर एक टर्म, दो पेयर दो टर्म आएंगे, तीन पेयर हैं तो तीन टर्म आएंगे, और हर एक टर्म आएगा इसी फॉर्मूले से. जितने भी टर्म्स होंगे वो माइनस जी एम वन एम टू बाई आर वाले फॉर्मूले को ही यूज करके आएंगे, कोई नया फॉर्मूला फिर से नहीं आएगा. और नीचे इसका फिजिकल मतलब बताया जा रहा है आपसे, इस पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकल मतलब. ये तो हो गया मैथमेटिकली, बट फिजिकली इसका क्या मतलब है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉडुलस. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस साइन को ड्रॉप कर दें, इसमें से नेगेटिव साइन अगर ड्रॉप कर दें. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू. तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट द वर्क नीडेड टू सेपरेट ऑल द पार्टिकल्स बाय द इनफाइनाइट डिस्टेंस. मतलब इन पार्टिकल्स को डी असेंबल करने में कितना वर्क चाहिए आपको. मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि ये पार्टिकल, तीनों पार्टिकल एक दूसरे से इन्फिनिटी पे चले जाए, इन सबके बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस आ जाए, मतलब सिस्टम को ब्रेक करने की एनर्जी कह सकते हो, जिसको आप केमिस्ट्री में डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हो. एक होती है एसोसिएशन एनर्जी, एक होती है डिसोसिएशन एनर्जी. तो सिस्टम को डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, अगर सिस्टम को ब्रेक करना है और ये तीनों पार्टिकल्स को वापस इन्फिनिटी पर भेजना चाहते हैं, तो फिर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ये था मतलब कंप्लीट थियोरेटिकल कंसेप्ट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी केसेस बन सकते थे. पहला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ले रहा हूं. पार्टिकल ऑफ मास एम इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस. तो कैपिटल एम मास कोई फिक्स्ड हो गया मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से. हाउ मच वर्क मस्ट बी डन इन ब्रिंगिंग अनदर मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ सेपरेशन स्मॉल आर. मतलब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, क्वेश्चन के हिसाब से इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको कोई दूसरा मास लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी. मैं कोई दूसरा मास इन्फिनिटी पर है उसको इन्फिनिटी से ला करके स्मॉल आर डिस्टेंस पे रहकर रखना है इसमें. तो कितना वर्क करना हो, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन इन ब्रिंगिंग अनदर मास एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ सेपरेशन स्मॉल आर फ्रॉम एम. देखिए अगर ये स्मॉल एम पॉइंट पी पर होता, समझना, अगर ये स्मॉल एम पॉइंट पी पर होता तो हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते यहां पर. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. ये बनता आपका पोटेंशियल एनर्जी जब ये दोनों आर डिस्टेंस पे होते. और प्रीवियस स्टेटमेंट यूज करो आप. इसकी जो एब्सोल्यूट यानी पॉजिटिव वैल्यू है वो होता है वर्क इनको इन्फिनिटी पर भेजने का. तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस को ड्रॉप कर दीजिए तो प्लस हो गया, प्लस जी एम एम बाई आर. ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. और ये वैल्यू है वर्क डन सेपरेशन आर से सेपरेशन इनफाइनाइट करने का. वर्क डन इन चेंजिंग द सेपरेशन, प्रीवियस कंसेप्ट के हिसाब से, इन चेंजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी. आर से इनफाइनाइट करने का वर्क है. इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमें, इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा पूछा गया है आपको. हाउ मच वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी. क्या आंसर लिखेंगे इसका अगर ये से रिवर्स पूछी गई हमसे? माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. कहीं कहीं पर हो सकता है तुम्हारे बुक में भी ऐसा होगा या स्कूलों में भी ऐसा बताते हैं या फिर एनसीईआरटी में, इसी को डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी दे दिया गया है. अगर ग्रेविटेशन पढ़ा होगा कहीं पर तो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही ऐसे कर रखा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट. आप पढ़ना है डेफिनेशन पढ़ोगे अगर एनसीईआरटी में तो. पोटेंशियल एनर्जी की इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन ब्रिंगिंग सम मास फ्रॉम इन्फिनिटी
टू अ गिवन डिस्टेंस स्मॉल r. सीक्वेंस थोड़ा सा हमारा अलग है बिल्कुल. मैथमेटिकली क्या होता है और फिजिकली क्या होता है दोनों का मतलब अलग अलग समझना होगा तुम्हें. तो इस लाइन को ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है. इसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं, फॉर्मूले पे नहीं. कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर कैलकुलेट कर रहे हो तो जो कैलकुलेट कर रहे हो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी तुमने कैलकुलेट की है एक सिस्टम की उसकी एब्सोल्यूट यानी पॉजिटिव वैल्यू का फिजिकल मतलब है वर्क डन टू सेपरेट ऑल द पार्टिकल्स अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो अगर रिवर्स हो रहा है, इन्फिनिटी से उनको वापस असेंबल करना है मुझे, इन्फिनिटी से वापस लाना है, तो नेचुरल से बात है जो पोटेंशियल एनर्जी है वही उसका आंसर बन जाएगा. एक और एग्जांपल दिखाते हैं इस क्वेश्चन में. देखो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेपरेट ऑल द पार्टिकल्स बाय इनफाइनाइट डिस्टेंसेस. अभी ये सब स्क्वायर के ऊपर है, तो ये फिगर एक स्क्वायर है और चार पार्टिकल्स हैं यहाँ पर. तो हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेपरेट ऑल द पार्टिकल्स बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है. तो ये तो डायरेक्ट आपका कंसेप्ट हो गया. इसका जो आंसर होगा वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे अभी यहाँ पर कि जितने भी पेयर बनेंगे उनसे एक एक टर्म आएगी. तो कितने कितने पेयर्स बनेंगे ये काउंट करो. अब इसमें चार पार्टिकल्स में वो छह पेयर कौन कौन से होंगे, छह पेयर कौन कौन से होंगे. अगर आप देखिए मैं इसको सुनो, मैं कलर कॉम्बिनेशन से दिखा रहा हूँ आपको. एक ये ब्लैक और रेड वाले का पेयर बनेगा. अगर आप देखोगे ब्लैक का रेड के साथ, फिर ब्लैक वाले का ही, मतलब अलग अलग देखो ना. अगर आप अलग अलग तो मतलब अपने आप देख सकते हो कैसे कैसे पेयर बनेंगे. तो ब्लैक वाले पार्टिकल का पेयर रेड से बनेगा, ब्लैक वाले पार्टिकल का पेयर ग्रीन वाले से बनेगा, ब्लैक वाले का पेयर ब्लू वाले से बनेगा. तीन पेयर ये बन जाएंगे. फिर रेड वाले का ग्रीन से बनेगा, रेड वाले का ब्लू से बनेगा, फिर ग्रीन वाले का ब्लू से बनेगा. इस तरीके से छह पेयर बनेंगे इसमें. तो इसमें ना जो चार पेयर बनेंगे आपके, फोर पेयर बिल्कुल सिमिलर्स बनेंगे. फोर सिमिलर पेयर कौन कौन से होंगे? अगर आप जब चारों साइड्स एक दूसरे साइड्स वाले, फोर पेयर साइड वाले होंगे, तो उनसे क्या टर्म आएगी? उनसे चार टर्म्स आएंगी. तो फोर और जी एम एन अपॉन माइनस लगेगा, माइनस जी एम वन एम टू, माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर, मतलब डिस्टेंस ये होंगे. और दो पेयर और बनेंगे इसमें जो डायगोनल्स बनेंगे, माइनस जी एम वन एम टू रूट ए. हाँ, तो दो पेयर, तो दो टर्म हो गए, तो टू मल्टीप्लाई करेंगे और एक पेयर में माइनस जी एम एम और अब डायगोनल वाले जो पेयर बनेंगे उनके बीच का डिस्टेंस यही होगा. तो डायगोनल वाले पेयर अब इनको ऐड करोगे तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी. यू टोटल जितने भी पेयर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा माइनस फोर जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन ए एंड माइनस टू जी कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन ए रूट टू. और यही आंसर है क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली पूछा है. मतलब आंसर ये नहीं है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आंसर जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इसमें से माइनस साइन हटाना पड़ेगा. हाँ, इसमें से माइनस हटा देंगे और वो आंसर बनेगा. मतलब आंसर विल बी मॉडुलस ऑफ दिस टोटल पोटेंशियल एनर्जी. अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, यहाँ पर पूछा होता कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्क्वायर, इन्फिनिटी से स्क्वायर पर लाने का वर्क पूछते अगर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो यही आंसर होता. यहाँ उल्टा पूछ रहे हैं, स्क्वायर से इन्फिनिटी पे जाने का पूछ रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसका मॉडुलस करके यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, वो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. एक और क्वेश्चन देखो, सेम फिगर है, इसमें भी चार पार्टिकल्स है. अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स ही हैं इसमें, बट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं. और फिर मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का हेल्प ले सकते हो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इंटरेस्ट है उधर. तो क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव द रेड कलर्ड पार्टिकल, सबको नहीं, सिर्फ रेड वाला जो पार्टिकल है उसको इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, बाकी तीन को जैसे हैं वैसे रहने दो. चार में से जो रेड वाला पार्टिकल है उसको इन्फिनिटी पर ले जाना है, बाकी तीन जहां पर हैं वहीं रहेंगे.
और इसमें प्रेजेंट लोकेशन से इनफिनिटी जाना है, तो प्रेजेंट लोकेशन से इनफिनिटी जाने का मतलब आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन हाँ, लेकिन अब सुनो आंसर क्या होगा जान, तो जब सिर्फ किसी एक पार्टिकल को हटा रहे हो ना, आप सबको तो हटा नहीं रहे हो, तो वर्क विल बी, सुनिएगा आप ध्यान से सुनना, वर्क विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड विथ स्पेसिफिक पार्टिकल। अब इसका क्या मतलब है लिंक्ड विद स्पेसिफिक, मतलब उस रेड वाले, उस रेड वाले से कितने पेयर बन रहे हैं, रेड वाले का पेयर किसके किसके साथ बन रहा है ये देखना होगा। तो रेड वाले का पेयर ब्लैक वाले से, रेड और ब्लैक का पेयर बनेगा, तो उस पेयर का आंसर होगा जी कैपिटल एम। सुनो बच्चा सुनो, रेड का ग्रीन वाले से बनेगा। अब इसमें हम नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं, नीचे माइनस नहीं लगा रहे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस नहीं आएगा। और रेड वाले का ब्लू वाले से पेयर बनेगा, बस इतना। अगर पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सारे पेयर्स काउंट करोगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं वो, तो फिर उस स्पेसिफिक पॉइंट से लिंक जितने पेयर्स हैं उनकी एनर्जी काउंट करें, इतना आंसर होगा मेरा। अब जैसे इसी में अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, इस मतलब दो पार्ट्स लिए हैं ताकि समझ है, रेड वाला चला गया, तो यहाँ पर कह रहे हैं वंस द रेड पार्ट कलर्ड पार्टिकल रीचेस टू इन्फिनिटी, नाउ अब कितना वर्क करना होगा ग्रीन वाले को इन्फिनिटी पे भेजने के लिए। सो उसके जब दो पेयर हैं, हाँ, तो अब यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड विथ ग्रीन पॉइंट, जो ग्रीन वाला पार्टिकल है। तो अब इस बचे हुए सिस्टम में ग्रीन वाले पार्टिकल का पेयर कहाँ कहाँ बनेगा बचे हुए सिस्टम में? दोनों एम के साथ। हाँ, मतलब एक ब्लू वाले से पेयर बनेगा और एक ब्लैक वाले से पेयर बनेगा इसका। तो आंसर इसका बन जाएगा ब्लू वाले के साथ जी एम स्क्वायर अपॉन ए, और ब्लैक वाले के साथ डायगनल वाला पेयर है रूट टू, ये आंसर बनेगा। ये समझना है, दोनों क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक इसीलिए कराया ताकि इसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा क्या करना चाहिए। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, फिर से वही सिस्टम है लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑल पार्टिकल्स आर इनिशियली एट रेस्ट, उसके बाद दे ऑल आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम। स्पीड निकालना है मेरे को यहां पर हर पार्टिकल की, और कब निकालनी है, तो व्हेन द सेपरेशन बिटवीन एनी टू इज डबल्ड। कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको ना लगाओगे आप बाय, मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको लगाना है एनर्जी का कंजर्वेशन यूज कर रहा है तुम्हें, क्योंकि ग्रेविटेशन वैसे भी कंजर्वेटिव फोर्स में ही आता है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व। तो पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, सुनो कैसे निकालेंगे, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो ये एक्सप्रेशन अभी बनाया गया था पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल 6 पेयर बनेंगे यहाँ पर सबको लेकर के इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं बिकॉज सिमिलर एग्जाम्पल चल रहा है, तो -4g कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन ए और -2g कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन ए रूट टू, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि वो सब रेस्ट पे हैं, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। नाउ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जब सबके बीच का डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस ए लिखी जा रही है यहाँ पे, जो डिस्टेंस ए लिखी जा रही है 2a, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जहां पर नीचे ए है वहां डबल डिस्टेंस हो गया तो 2a -2gm स्क्वायर, और यहाँ पर भी डिस्टेंस ए को डबल करके 2a कर देंगे। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें चार पार्टिकल्स हैं, चारों आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, सिमिलर पार्टिकल्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर इसके बाद एनर्जी कंजर्व करा दें आप। मतलब सिंपल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके आगे आप कर लेना, इसमें से V निकल जाएगा आपका आंसर में, V की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सिंपल है, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक और पार्ट पूछा गया, फाइंड द वर्क
एंड इम्पल्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अब की बार वो एक पार्टिकल पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर थियोरम्स का यूज होगा, यूज ऑफ थियोरम्स, इम्पल्स के चेंज इन मोमेंटम। हाँ, तो पहले आप लगाओ वर्क एनर्जी थियोरम। वर्क एनर्जी थियोरम का कहता है कि वर्क डन, तो वर्क डन अगर आपको एक पार्टिकल पर निकालना है तो फिर आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या चारों पार्टिकल्स का लें या फिर एक पार्टिकल का लें? एक पार्टिकल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और वी हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में निकाला है। और इम्पल्स की बात की है तो ये भी हमारी डेफिनेशन है कि इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो जब आपको इम्पल्स एक एक करके निकालना है ऑन ईच पार्टिकल, तो मोमेंटम भी एक पार्टिकल का निकालेंगे, एम इंटू वी। ये जानबूझ करके ऐड किया था, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का भी होता रहे कुछ कुछ टॉपिक्स। मेनली इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, मेन जो कंसेप्ट लगाओगे। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सर तो एक डाउट था, जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे वेलोसिटी या इन सब की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता? स्पीड पूछ रहे हैं ना यार, डायरेक्शन कहाँ पूछ रहे हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी है तो ज्यादा अच्छा है एनर्जी कंजर्वेशन। देखो नेक्स्ट, देखो एक और क्वेश्चन सुनिएगा। टू आइडेंटिकल ये स्फीयर्स हैं, स्फेरिकल बॉडीज हैं, एम मास की और टू एम मास की, इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर, ये डिस्टेंस आ रहे हैं। इन दोनों का रेडियस बराबर है, सेम रेडियस कैपिटल आर है का, ये भी रेस्ट पर रिलीज किए गए, और एम्प्टी स्पेस का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के आपस में फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है नहीं, यहाँ पर फ्री स्पेस में है, मतलब इन दोनों के आपस में जो फोर्स लग रही है उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात करो ऐसे क्वेश्चंस में मोशन टिल दे कोलाइड, पहले यहां तक की बात करते हैं, जब ये कोलाइड करेंगे वहां तक का मोशन पहले कंसिडर करो, और क्या लगाओगे इसमें, क्या चीज कंजर्व करोगे, बिकॉज नॉर्मली इन क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ही काम करते हैं बेटे। अब काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ बहुत कम ही आएंगे आपके सामने। तो जब ये एम्प्टी स्पेस में है, कोई फोर्स बाहर से लगी नहीं रही है, और ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में चलता है हमेशा, यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं कंजर्व होगी, तो एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा आप, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल के लिए हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करो, वहीं पर आंसर होते हैं इसके, जैसे कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेस्ट पे छोड़ा गया है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो। इनिशियल के लिए देखो इन्होंने और क्या दे रखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू, यानी कि एम इंटू टू एम माइनस जी एम वन एम टू, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर आएगा स्मॉल आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली हम ये मानेंगे कि जब ये स्फीयर्स कोलाइड कर रहे होंगे, जिस टाइम पर ये दोनों स्फीयर कोलाइड कर रहे होंगे, कोलाइड करने वाले होंगे, कर रहे होंगे नहीं, करने वाले हैं, तो उस टाइम पर जो ब्लू वाला स्फीयर है उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और जो रेड वाला स्फीयर है इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्लू वाले के पास वी वन वेलोसिटी है और रेड वाले के पास वी टू वेलोसिटी है, ये मान के चल रहे हैं कि जब ये कोलाइड करने वाले हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पर लिखी जाएगी हाफ स्मॉल एम वी वन स्क्वायर और प्लस हाफ टू एम इंटू वी टू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे जब ये कोलाइड करने वाले हैं? सम माइनस जी एम इंटू टू एम बाय टू आर माइनस जी एम वन एम टू, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपको डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर चाहिए, तो जब दोनों कोलाइड कर रहे होंगे मतलब टच कर रहे होंगे, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, जबकि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों सेम रेडियस कैपिटल आर के हैं, तो सेम रेडियस के हैं, इसका मतलब सेंटर वन और सेंटर टू के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस टाइम पर टू इंटू कैपिटल आर, ये आपकी इक्वेशन वन बनेगी। दूसरी इक्वेशन ये लगाओगे, ये एम्प्टी स्पेस में है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जस्ट अभी आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है कि अगर कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो हम कुछ और भी कंजर्व करा सकते हैं सिस्टम मोमेंटम।
मोमेंटम, यानी कैपिटल पी मोमेंटम कंजर्व करा दो यहाँ पर, तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज पढ़ो फिर से एक बार. इनिशियल कितना मोमेंटम, जीरो. और बाद में कितना हो रहा है, बाद में m वाला मास v1 वेलोसिटी पे चल रहा है, 2m वाला मास v2 पे चल रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा है. तो m v1 पॉजिटिव मोमेंटम और माइनस 2m v2 नेगेटिव मोमेंटम, ये सेकंड इक्वेशन. अब आप सेकंड वाली इक्वेशन से v1 की वैल्यू को 2v2 ले जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, v1 को रिप्लेस कर दो उसकी जगह 2v2 रख दो, तो v2 सॉल्व हो जाएगा, v2 सॉल्व हो जाएगा तो v1 भी सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व फॉर वी वन एंड वी टू यहां से, तो ये पार्ट स्किप कर जाएंगे हम बिकॉज इक्वेशन बना दी है. इसके आगे ना कुछ नहीं करना है, इसके आगे डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. इसके आगे कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स रिसीव्ड बाय ईच स्फीयर बिफोर दे मेक अ कॉन्टेक्ट. इसके लिए कुछ अलग लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें आप इम्पल्स की डेफिनेशन को पकड़ लो बस. क्या करेंगे इसमें, इंपल्स रिसीव्ड के लिए क्या निकालते हैं हम इसमें, इंपल्स रिसीव्ड बाय ईच स्फीयर, क्या आंसर बनेगा इसका? चेंज इन मोमेंटम. तो जब वेलोसिटी v, जब वेलोसिटी या v1 v2 कैलकुलेट कर लोगे तो चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट हो जाएगा. यस सर. और इसके बाद ये मैंने जानबूझ करके पार्ट्स ऐड किए हैं जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस. अब ये कोलिजन इलास्टिक हुआ तो कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी मतलब अब तो ये लगाओगे इसमें, अब तो रिलेटिव स्पीड्स इक्वल होंगी बिफोर आफ्टर कोलिजन. मतलब अब तो एक नॉर्मल क्वेश्चन, हाँ कोलिजन वाला क्वेश्चन हो गया पिछले चैप्टर वाला, कि एक m मास है एक 2m मास है, और क्वेश्चन के हिसाब से m वाले मास के पास v1 वेलोसिटी है, 2m वाले मास के पास v2 वेलोसिटी है जस्ट बिफोर कोलिजन. सो कंजर्व करा देंगे मोमेंटम. हाँ, मतलब बस बस मैं हिंट लिख दे रहा हूँ क्या करना है इसमें, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे. और फिर कोलिजन के बाद m और 2m मास के कुछ वेलोसिटीज होंगे, मान लेंगे m वाला v1 डैश वेलोसिटी पे चला गया और 2m वाले के भी हम राइट साइड डायरेक्शन मान लेते हैं v2 डैश जस्ट आफ्टर कोलिजन. तो अब आप कोलिजन वाले कंसेप्ट लगाओ, कोलिजन वाले कंसेप्ट में मोमेंटम कंजर्व कराते थे. और एक रिलेटिव स्पीड वाली कोलिजन के बाद रिलेटिव स्पीड है वी टू डैश और वी वन डैश, तो वी टू डैश माइनस वी वन डैश रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें ई वन होगा और कोलिजन कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2, क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ चल रहे थे. ये दो इक्वेशंस बना करके अब यहां से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा v1 डैश और v2 डैश के लिए. सो ध्यान देना, मतलब मेनली इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपका सिर्फ इतना पार्ट है, ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड तो सिर्फ इतना ही है, बाकी का तो जानबूझ करके ऐड किया गया है, मतलब एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देने, एग्जाम का फील देने के लिए, कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं वो दूसरे कांसेप्ट मिला करके भी आते हैं. इसमें चैप्टर ग्रेविटेशन का कंसेप्ट सीधा सा है, पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा फॉर्मूला और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस इतना ही है इस चैप्टर से. बाकी कोलिजन ऐड कर दिया तो दो चैप्टर हो गए जो जेई का मेन पार्ट होता है भाई. सर इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन में लिखा था ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसलिए हमने वो ग्रेविटी वाला ये सब कॉन्सेप्ट लगा दिया. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एम्प्टी स्पेस बोलो ना, एम्प्टी स्पेस में क्या लगेगा, और कोई फोर्स लगेगी ही नहीं ग्रेविटी के अलावा. यस सर. नेक्स्ट देखो, अब ये वो सैटर्न रिंग वाला जो कंसेप्ट है, रिंग का क्वेश्चन लेने का पीछे रीजन मैंने बता दूं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि प्लैनेट्स के अराउंड रिंग बन जाती है मासेस की, तो रिंग्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोफिजिक्स में, मतलब उसमें पूछ सकते हैं. तो इसमें उसी का एक मॉडल है, मतलब सिंपली कह सकते हो एक रिंग है, उसकी एक्सिस पर एक स्मॉल एम मास है, उसको रेस्ट पे छोड़ा जा रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये वाला मास जब इस रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तो क्या वेलोसिटी होगी, ये मास रिंग के सेंटर को क्रॉस करेगा तो कितनी स्पीड आएगी इसमें. सो अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड एट द पॉइंट a, मतलब इनिशियली जीरो वेलोसिटी,
फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग. अब इतनी देर में आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि स्पीड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका इन चैप्टर्स में क्या बन रहा है आपके लिए. काइनेमेटिक्स लगाएं कि लॉज ऑफ मोशन लगाएं कि फिर आप वर्क एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन सबसे जो छोटा मेथड होगा और फास्ट मेथड कौन सा है इसमें. एनर्जी कंजर्व करा के. बट एनर्जी कंजर्व कराने के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पर काफी देर पे टाइम दिया था और ये कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी अभी आपने पढ़ रखी है यहाँ पर माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, इसके बारे में बताया कि ये किन केसेस में लगेगी और किन केसेस में नहीं लगती है. तो या तो दोनों मास पार्टिकल होंगे तब लगेगा, या दोनों स्फीयर होंगे तब लगेगा, या एक पार्टिकल और एक स्फीयर हो तब लगेगा. इनके अलावा किसी भी कंडीशन में ये नहीं लगेगा. और इस क्वेश्चन में हमारे पास रिंग है जो कि ऑब्वियसली ना तो पार्टिकल है ना तो स्फीयर है. सर बीड्स का कलेक्शन मान लेंगे रिंग को. हाँ, मतलब एक तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि प्रीवियस रिजल्ट जो था आपका, प्रीवियस रिजल्ट जो अभी आपने इसके पहले पढ़ रखा है, प्रीवियस रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ये जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये तो वैलिड नहीं है यहाँ पर. ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये पहले मना कर दिया गया कि ये यहाँ पर वैलिड नहीं है. और रीजन उसका ये है कि जिन कंडीशंस के लिए वो फॉर्मूला था वो कंडीशन ही नहीं मैच कर रही है यहाँ पर. स्फीयर नहीं है यहाँ पर और ना पार्टिकल तो है लेकिन दूसरा रिंग है. तो हमको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना पड़ेगा तुम्हें. और डिराइव कैसे करेंगे इसको, तो ये फॉर्मूलेशन यूज होगा राइट, डिराइव होगा. तो ये फॉर्मूला वैलिड किसके कंडीशंस में, ये बताओ ना, ये फॉर्मूला लगाने की कंडीशंस क्या हैं. पार्टिकल या दोनों पार्टिकल्स हो या दोनों स्फीयर्स. हां तो सुनो, या फिर एक पार्टिकल एक. हां तो सुनो हम क्या करने जा रहे हैं. हम रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब रिंग का एक छोटा सा पीस कंसीडर करेंगे, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन. और उस छोटे से पोर्शन को कह देंगे कि वो डीएम मास है. रिंग का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे जिसको डीएम मास कहेंगे, और उस डीएम और इस स्मॉल एम के बीच में तो लगा सकते हैं ना फॉर्मूला, क्योंकि जब रिंग रिंग का छोटा मास लोगे तो वो तो पार्टिकल मानेंगे, पूरी रिंग पार्टिकल नहीं मान सकते. लेकिन रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पीस, वो एक पार्टिकल मान सकते हैं. तो डीएम भी पार्टिकल है और एम भी पार्टिकल है, इन दोनों के बीच तो लगा ही सकते हैं फॉर्मूला. तो पहले डीयू आएगा, फॉर्मूला है माइनस जी, एक मास हमने डीएम ले रखा है, दूसरा मास हमारा एम है, और इनके बीच में क्या डिस्टेंस है भाई, इस डीएम और एम के बीच में कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर. सर पाइथागोरस लगा के डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये नीचे लगाओ. और टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे. हालांकि इसमें भी इंटीग्रेशन टफ नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन में सब कुछ बाहर चला जा रहा है एक्चुअली, और इनसाइड इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही चीज बच रही है आपके पास, वो है डीएम. और ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है कि डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा. इंटीग्रेशन का मतलब समेशन है, m आ जाएगा. तो सीधा सीधा आपके पास माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इसको कह सकते हो कि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड. सर इंटीग्रेशन का मतलब भी तो जानना चाहिए आपको. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब सम ऑफ ऑल डीएम्स कर रहे हो ना, जितने भी डीएम इसमें होंगे उन सबका मास ऐड कर रहे हैं. तो हम उसमें मैथ में नहीं जा रहे हैं, हम उसके फिजिकल मतलब में लगा रहे हैं. भदौरिया जी जनरलाइज नहीं कर सकते यार, पहले इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिकली रिंग के लिए हुआ. तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा आपको. अब इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ते जाओ. तो इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करा ही अभी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इनिशियल है. और फाइनली जब ये पार्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगा, जब ये पार्टिकल पासेस थ्रू द सेंटर, तो सेंटर को क्रॉस करने का मतलब डिस्टेंस डी जीरो हो जाएगा. यस सर. तो हम इसी फॉर्मूले में डी को जीरो पुट कर देंगे,
तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और नीचे जब डी जीरो पुट कर देंगे तो बचेगा सिर्फ रूट आर स्क्वायर। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो वो रिलीज किया गया पार्टिकल को, यानी रेस्ट कर रहा होगा, जीरो, और बाद वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एम वी स्क्वायर। लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल शुड बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल करके इससे वी निकाल लो कितना आएगा। हो जाएगा आंसर बताएं। और सेकंड पार्ट जो पूछा है ना वो फिर जानबूझ के पूछा गया है, इंपल्स बाय द फोर्स पूछा गया है, तो वो मास इनटू वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन जरा क्वेश्चन पढ़ो किसका पूछा है, कौन सी फोर्स का इंपल्स पूछा है। फोर्स होल्डिंग द रिंग, रिंग को प्लेस में होल्ड कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका क्या आएगा, बिकॉज रिंग तो रेस्ट पे है, रिंग थोड़ी मोशन कर रही है, मोशन में तो पार्टिकल है, रिंग रेस्ट पे। और क्या जरूरत है उसको होल्ड करने की, अगर हम होल्ड नहीं करेंगे तो क्या रिंग मूव कर जाएगा, तो आंसर है कि हाँ मूव करेगा। रीजन कि जब ये रिंग और पार्टिकल एक दूसरे पर ग्रेविटेशन की फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स तो दोनों के ऊपर काम करेगी, तो ग्रेविटी की फोर्स दोनों पे काम करेगी, अगर हमने रिंग को पकड़ेंगे नहीं तो ग्रेविटी की वजह से वो रिंग भी चलेगी, तो उसको होल्ड करने के लिए आप इसके अपोजिट फोर्स लगाओगे ताकि ग्रेविटी की वजह से रिंग मूव ना कर जाए कहीं पर। और कितना फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगाएंगे या ग्रेविटी से कम लगाएंगे या बराबर का फोर्स लगाएंगे, बराबर का। हाँ, तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने इंपल्स बाय द होल्डिंग फोर्स पूछा है, इंपल्स बाय द होल्डिंग फोर्स, बट उसका मतलब वही है कि इंपल्स बाय द ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि होल्डिंग फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स बराबर ही हैं। तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग द इंपल्स बाय द फोर्स विच इज होल्डिंग द स्प्रिंग, बट दैट इज सेम एज द इंपल्स बाय द ग्रेविटी फोर्स, एंड इंपल्स बाय द ग्रेविटी फोर्स विल बी स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, बिकॉज ग्रेविटी की फोर्स स्मॉल एम के मोशन में हेल्प कर रही है, स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी। शिवांश जी, इम्पल्स इंस्टेंटेनियस पैरामीटर नहीं है जो हर इंस्टेंट पे देखा जाएगा, इम्पल्स एक टाइम इंटरवल का फिनोमेना है। तो आंसर वही होगा इसका, मतलब अलग है लेकिन आंसर जो होगा इसका, उसका आंसर आप एम इंटू वी देंगे, एम इंटू वी। एक और आर्टिकल है, मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड द एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पर एक पार्टिकल को सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड u और मैक्सिमम हाइट पूछी जा रही कितनी होगी। तो इसमें भी चेक करो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर निकालें, अगर पोटेंशियल एनर्जी जब पार्टिकल सरफेस पर रहा होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उस टाइम पर लेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर में कैपिटल आर। काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया हाफ एम यू स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो टोटल एनर्जी आ जाएगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जब इसकी मैक्सिमम हाइट आ गई तो मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम हाइट के टाइम पर सेंटर से डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस आर प्लस एच एच, और काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल होगा जीरो, तो जीरो, फिर कंजर्व करा दीजिए एनर्जी कंजर्व। मतलब न्यूमेरिकल्स तो तुम देखोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई इसमें। इसको कंजर्व करा के अब इससे एच कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्व फॉर एच, तो मैं कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करने वाला, सॉल्व कर लीजिएगा एच की वैल्यू यहाँ से, सॉल्व फॉर द एच। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो कर लीजिएगा सॉल्व इसको क्या होगा। और एस्केप स्पीड का मतलब होता है कि मैक्सिमम हाइट इन्फिनिटी हो जाए, एस्केप स्पीड मतलब मैक्सिमम हाइट इन्फिनिटी। तो इसी फॉर्मूले में देख लो यार, एस्केप स्पीड का मतलब ये हुआ दैट मैक्सिमम हाइट यानी एच की वैल्यू इन्फिनिटी हो, जिसको एच लिख रहे हैं वो इन्फिनिटी हो जाए। तो आप देख लो अगर यहाँ पर एच को इनफाइनाइट कर दोगे तो राइट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, देखिए
राइट हैंड साइड है, मगर एच को इन्फिनिटी के बराबर पुट कर दूं, तो यही एक्सप्रेशन आपका ये बन जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और एच की जगह रख दिया हमने इन्फिनिटी, इन्हें कुल मिलाकर के राइट हैंड साइड हो गया जीरो, जीरो. तो इससे आप यू सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ टू जी कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर, ये एस्केप वेलोसिटी, रूट ऑफ टू जी एम कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर, इसी को एस्केप वेलोसिटी कहा गया है. सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का रिजल्ट जितना बेटर कर दोगे ये चैप्टर आसान होता जाएगा. इसमें पूरे चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन ही मैक्सिमम लगाना है. और दिखा देते हैं एक आर्टिकल, ये भी छोटा आर्टिकल है, देखो जल्दी हो जाएगा. सैटेलाइट्स का सर्कुलर ऑर्बिट, एक सेकंड लास्ट स्लाइड देख लो, देख लो, देख लो, ठीक है सर, ओके. ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना तो आसान लगने लगेगा, ऐसा नहीं टॉपिक आसान है. देखिए इसमें एक सैटेलाइट है अपना सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है, इसकी स्पीड निकाल ली है मैं. देखिए तीन चीजें निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड बतानी है, टाइम पीरियड बताना है और एनर्जी बतानी है. तो पहला तो आप वो कंसेप्ट लगाओ, फर्स्ट न्यूटन लॉ फॉर सर्कुलर मोशन लगाओ, जिसमें ये कहा गया था कि सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करता है. तो इसमें कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की फोर्स जो सेंटर की तरफ आएगी उसको आप फॉर्मूला लगा लो, यानी कि कैपिटल जी मास ऑफ प्लेनेट कैपिटल एम मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और यही चीज सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाती है, यानी कि एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर. तो पहला रिजल्ट यहाँ से आ जाता है, रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय आर, फर्स्ट रिजल्ट. इतना ही डेरिवेशन होता है इसमें, इसको ऑर्बिटल स्पीड कहा जाता है, वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड. दूसरा रिजल्ट टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब एक रिवॉल्यूशन पूरा, टाइम पीरियड तो आप डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस बाय स्पीड वाले फॉर्मूले से, तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब होगा 2 पाई आर का डिस्टेंस, और स्पीड अभी हम लोगों ने डिराइव कर ली है रूट ऑफ जी एम बाई आर. तो यहाँ से टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी अंडर रूट, और ये r टू द पावर 3 बाई 2 ये बन जाता है यहाँ पर. और इसी का ना अगर हम स्क्वायर कर दें तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, जो आगे चल के बताएंगे आपको केप्लर्स का लॉ. तो बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है इसमें, मतलब काफी आसान टॉपिक है. और तीसरी चीज एनर्जी की जब बात करेंगे तो एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम और जी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर. इसको पूरा सिंपलीफाई कर लेंगे तो एनर्जी की जो वैल्यू बनेगी माइनस हाफ बाय टू आर अपॉन आर बार कॉमा. देख लो यार वो बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ आप, ये मतलब थोड़ा सा टाइम दोगे ना अपने आप हो जाएगा ये सब. इसमें कुछ नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं एक्चुअली चैप्टर में ना. अब देखो जितनी भी चीजें हैं वो पुराने टॉपिक से लिंक हैं, इसीलिए इसको रोटेशन से पहले पढ़ा भी दिया, बिकॉज सब कुछ प्रीवियस चैप्टर से लिंक है डायरेक्ट. ये तीनों डेरिवेशन समझ में आई इसमें? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है नेक्स्ट देखो. यहाँ पर कह रहे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का मतलब होता है जियो स्टैंड फॉर अर्थ. जियोग्राफी पढ़ते हो आप तो अर्थ के स्पेक में स्टेशनरी. हाँ मतलब ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर स्टेशनरी रहे, अर्थ की रोटेशन स्पीड के बराबर उसकी रिवॉल्यूशन स्पीड होती है. नहीं सुनो बच्चा मेरी बात सुनो, एक्चुअली पहली बात सुनिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं, ध्यान रखना इस बात का. पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, दो तरीके के ऑर्बिट होते हैं, एक पोलर ऑर्बिट और एक इक्वेटर वाली ऑर्बिट. मतलब एक सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के चक्कर लगाता है और एक पोल्स का चक्कर लगाता है,
इस फिगर में दो सैटेलाइट्स आपको दिखेंगे, एक पोल के अराउंड घूमता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कवर करता है, और एक इक्वेटर के अराउंड चलता है। तो जो इक्वेटर के अराउंड चलता है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, मतलब वो अर्थ के जिस भी कंट्री के ऊपर होगा, जिस कंट्री के ऊपर वो सैटेलाइट होगा हमेशा उसी कंट्री के ऊपर दिखेगा ऑलवेज। और ये इसलिए हो पाता है कि अर्थ भी तो रोटेट कर रही है साथ साथ, तो जिस टाइम पीरियड पे अर्थ रोटेट करे उसी टाइम पीरियड पर अगर ये भी चले, उसके पैरेलल चले, ये कुछ वैसा ही हो गया कि दो पार्टिकल्स पैरेलल चलें सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, तो क्या ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन से पैरेलल चल रहे हो सेम वेलोसिटी से? नो सर। नो सर। नो सर। तो हमेशा अगल बगल मिलेंगे आपको। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बेसिकली ये होते हैं जिन सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड उतना ही हो जितना अर्थ का हो, मतलब जब अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करे तो टाइम सैटेलाइट भी अपना एक, मतलब साथ साथ घूमेंगे वो। यानी कितना टाइम पीरियड होना चाहिए सैटेलाइट का फिर अगर अर्थ के साथ साथ घूमना है उसको, तो अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करे तो सैटेलाइट भी अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले पैरेलल में। यानी द टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू, टाइम पीरियड फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी इक्वल टू 24 आर्स कर सकते हो आप, मतलब अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। और 24 आवर का टाइम पीरियड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम पीरियड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जीएम इनटू आर टू द पावर 3/2। तो सिंस कैपिटल टी इज 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जीएम और स्मॉल आर टू द पावर 3/2। यहां पर एक और कंसेप्ट लगाएंगे, अभी जो लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपसे कहा गया था कि स्मॉल जी की जो वैल्यू थी वो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर थी लेक्चर के स्टार्टिंग में। तो यहां से जी कैपिटल एम की वैल्यू को जी इंटू आर स्क्वायर लिखते हैं और फिर कुल मिलाकर के टाइम पीरियड की वैल्यू बनती है 2 पाई। यहां पर रूट ऑफ जी एम को रिप्लेस करेंगे, आर रूट जी और स्मॉल आर टू द पावर 3/2। अब इसमें सारी वैल्यूज पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू पता है 24 आवर्स है तो 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड्स में, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है जो 6400 किलोमीटर है इंटू 1000 मीटर्स में, जी की वैल्यू 9.8 यूज कर लेंगे। और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद स्मॉल आर की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करोगे तो आप ये करीब 42,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट 42,000 किलोमीटर के आसपास हो, मतलब अर्थ के सरफेस से करीब 36,000 किलोमीटर के ऊपर, अर्थ सरफेस से लगभग 36,000 ऊपर। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा इक्वेटर के अराउंड होने चाहिए, मतलब ये अर्थ के चक्कर लगाएं लेकिन इक्वेटर के अराउंड। तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे कि क्या इस वर्ल्ड में कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया से ऊपर होगा, मतलब कानपुर के ऊपर होगा या फिर दिल्ली के ऊपर होगा? नहीं सर। तो इसमें आपको ज्योग्राफी चाहिए होगी कि जो इक्वेटर की लाइन है क्या वो इंडिया के किसी भी सिटी से पास होती है, मतलब कोई भी ऐसी? नहीं सर, इंडिया ऊपर लाइन करता है इक्वेटर। तो इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया, हाँ मतलब इंडिया कभी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता अपनी कंट्री से, बिकॉज लोकेशन ही नहीं, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ही वैसी नहीं है। ये पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि कैन वी प्लेस अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव दिल्ली और अबव कानपुर और अबव मुंबई? आंसर नो, बिकॉज ज्योग्राफिकली वी आर नॉट अंडर इक्वेटर। अब वो तो चेंज हो नहीं सकता कि मैं अपनी ज्योग्राफी चेंज कर दें। एक ये टॉपिक देख लीजिए चेंज ऑफ ऑर्बिट का, इसमें डेटा पे मत जाना कि क्या हुआ है, डेटा पर मत जाइएगा, वैल्यूज क्या दी गई हैं वो उस पर छोड़ दो। इसमें कह रहे हैं कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल रिलीजेज अ 470 किलोग्राम कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाइल इन द ऑर्बिट 280 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये जो ब्लू कलर का सर्कल देख रहे हो ये कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ अपने एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था। उस सैटेलाइट का मास आपको दे रखा है 470 किलोग्राम और 280 किलोमीटर सरफेस के ऊपर है। मतलब अगर मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में लेना चाहूं, इसको अगर मैं M से डिनोट कर दूं मास को और इसे 280 किलोमीटर को H से डिनोट कर दें, H से, और उसके बाद क्या कह रहे हैं
कुछ वैसा ही है। हाँ, यहाँ पर सैटेलाइट्स को क्या करना होता है, एक रॉकेट लॉन्च करना होता है, रिलीज कर, ये वेरिएबल मास वाला कंसेप्ट हुआ कि जैसे कोई चीज निकलेगी तो थ्रस्ट काम कर जाता है। अभी जस्ट आपने वेरिएबल मास में पढ़ा था कि जब कोई चीज रिकॉइल करती है, कोई चीज अगर कोई मास इस सैटेलाइट से निकलेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलेगा इसको। तो वही कह रहे हैं कि रॉकेट इंजन ऑन द सैटेलाइट बूस्ट कर रहा है उसको इनटू अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। इस सैटेलाइट वाला कंसेप्ट है जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब सैटेलाइट से रॉकेट से गैसेस बाहर आती थी तो रॉकेट को एक अपवर्ड फोर्स मिल जाता था। ऐसे ही इस सैटेलाइट से क्या होता है कि कुछ रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ही अपोजिट रॉकेट लॉन्च करेंगे इसको एक थ्रस्ट मिलती है और ये लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में चला जाता है। मतलब पहले इसके ऑर्बिट का रेडियस R1 था, फिर इसके ऑर्बिट का रेडियस R2 हो गया। मतलब पहले छोटी रेडियस में रिवॉल्व कर रहे थे, बूस्ट करने के बाद ये बड़ी रेडियस में रिवॉल्व करने लगा। ठीक है, ये बड़ा मूवीज में काफी कॉमन यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली जो अक्षय कुमार वाली मूवी थी उसमें भी काफी बहुत यूज किया गया इस टर्म को कि हम बार बार उसको बूस्ट करेंगे, मतलब बार बार उसको थ्रस्ट दे करके उसकी हाइट बढ़ाते चले जाएंगे सैटेलाइट्स की। तो हालांकि हमें मिशन मंगल तो नहीं जाना, लेकिन हमें बेसिक आइडिया समझना है। क्वेश्चन है कि एनर्जी कितना होगा, तो अभी देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है। अभी हम लोगों ने पीछे एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया है, विच इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R। तो जब ये पहले वाले ऑर्बिट में रहा होगा तो इसके पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R1, ये इसकी पहले वाली एनर्जी है। और जब ये बाद वाले ऑर्बिट में जाए तो उसकी एनर्जी बदल जाएगी, माइनस जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R2 हो जाएगी। तो जो वर्क हम करेंगे वो चेंज ऑफ एनर्जी में चला जाएगा, दैट मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R2 और माइनस इनिशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2R1। सीधा सा बात, इतना ही आंसर है इसका। ये वर्क करना होगा हमें, बस उसकी एनर्जी को चेंज करना है। और पता नहीं तुम लोगों ने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो yes, sir, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में भेजा जाता है बोर्स मॉडल में। हाँ, लेकिन एनर्जी देता है। नहीं नहीं, नीचे से ऊपर जाने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें क्या डालते हैं एटम के ऊपर? फोटॉन्स। हाँ, तो उससे कंपेयर करना ये एटम। एक्चुअली ये सैटेलाइट मोशन पढ़ने के बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो, दोनों एक दूसरे की कॉपी जैसे चलते हैं। मतलब इस चैप्टर से 3 चैप्टर कवर कर सकते हो आप, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे वहाँ फोटोन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं ना, मतलब ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में, तो वहां पर तो फोटोन डाले जाते हैं, यहाँ पर रॉकेट बूस्टर्स होते हैं जो उसको लोअर ग्राउंड लेवल से अपर लेवल पर लेके जाते हैं। कंसेप्ट वही है, वहां पर भी शायद यही बताया गया होगा आपको कि अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो उन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होना चाहिए। वही लॉजिक लगा रहे हैं हम भी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इतनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए चाहिए उसको। ठीक है, और एक ये आखिरी पन्ना है अभी, बाइनरी स्टार सिस्टम। इसमें क्या होता है, बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स हैं, मतलब एक कैपिटल एम मास का स्टार है और एक स्मॉल एम मास का स्टार। ये दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ 2 स्टार्स रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ मास। ये भी नेचर का ही पार्ट है, मतलब जो अंदर वाला सर्किल है वो ऑर्बिट ऑफ स्मॉल एम है और जो बाहर वाला सर्किल आप देख रहे हो इसका ऑर्बिट, ये ऑर्बिट ऑफ कैपिटल एम है। लेकिन दोनों ऑर्बिट्स का सेंटर ऑफ मास, मतलब इन पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जो है वही इस ऑर्बिट का सेंटर भी है। तो यहाँ पर पहले तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक कंसेप्ट याद करा देते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक कंसेप्ट ये था कि अगर एक पार्टिकल M1 है और एक पार्टिकल M2 है और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लो d,
तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में इनकी लोकेशन बताई गई थी कि सेंटर ऑफ मास को लोकेट कैसे कर सकती हो। अगर आप एक पार्टिकल को 0.0 मान लो, एक को डी कोमा जीरो मान लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालने के लिए एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू डी, ठीक है। तो ये लगाना कंसेप्ट जरा, इस कंसेप्ट को जब लगाओगे ना, तो ये मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, बट ये कहाँ से रिजल्ट आएगा वो समझना। ये जो आर टू डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास वाला ही लॉजिक लगा रहे यार, यही लॉजिक लगा करके आप R2 भी निकाल सकते हो और यही लॉजिक लगा करके R1 भी निकाल सकते हो। तो R1 की वैल्यू बनेगी कैपिटल M इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और R2 की वैल्यू बनेगी स्मॉल m इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। यार समझ में कहां से बनता है डिस्टेंस यार, ये दोनों डिस्टेंस जो लिखी गई है, yes, sir, sir. और ये d इनका टोटल डिस्टेंस है, d इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस जैसे यहां पर लिया हुआ है। तो एक बार r1 और r2 की वैल्यूज बता देते हैं। r1 r2 इससे निकाला है, इससे इधर से देखो, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका m1 से जो डिस्टेंस है, m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है m1 वाले पॉइंट से जो आ रही है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो m2 into d divided by m1 plus m2, यानी कि m1 वाली साइड से डिस्टेंस निकालनी है तो m2 d upon m1 plus m2 कर रहे हैं। तो अगर आप m2 वाले साइड से उसका डिस्टेंस निकालोगे तो न्यूमरेटर में m2 की जगह m1 करना पड़ेगा तुम्हें। सिमेट्री का लॉजिक लगाएंगे ना कि अगर m1 वाले साइड से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया तो m2 वाली साइड से निकाल सकते हो, d में से लेस कर दो। थोड़ी मैथ लगाओ इसमें भाई। अगर m1 था, ये भी तो था कि जो रेशियो होता है डिस्टेंस का वो अपोजिट होता है मासेस के। हां वही चीज, वही चीज है। देखो मैं तब लगातार बोल रहा हूँ यार, इस पूरे चैप्टर में कोई इंडिपेंडेंट न्यू कंसेप्ट तो नहीं आ रहा ना। अभी आप देखो सब पुराने चैप्टर्स में, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, ये सब है तो पुराने चैप्टर में ही। मतलब ग्रेविटेशन एक नया चैप्टर है ही नहीं कहीं से। एनीवे, तो अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? बाकी न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स के बगैर तो जा नहीं सकता। तो ये दोनों मासेस क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशन की फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ये ठीक है। तो दोनों मासेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे, एफजी, और जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा यहाँ पर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफजी न्यूटन लॉ के हिसाब से कैपिटल जी प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है यही सेंट्रिपिटल फोर्स भी है। तो किसी भी एक मास को ले लो, चाहे कैपिटल एम को ले लो, चाहे स्मॉल एम को ले लो, किसी भी एक मास को यूज कर लीजिए इसमें, किसी भी एक मास को यूज कर सकते हो, चाहे कैपिटल एम को यूज कर ले, चाहे स्मॉल एम को यूज कर ले। तो हम कैपिटल एम को यूज कर ले रहे हैं, कैपिटल एम, उसकी वेलोसिटी वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके ऑर्बिट का रेडियस, और कैपिटल एम की वेलोसिटी का, कैपिटल एम के ऑर्बिट का जो रेडियस है वह है स्मॉल एम इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसको सिंप्लीफाई करके वी टू निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहीं पर दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इसी को मैं ये भी कर सकता हूं कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्मॉल एम वी वन स्क्वायर और फिर उसके ऑर्बिट का रेडियस। मतलब किसी भी एक मास को लेकर के इक्वेशन बना सकते हो, चाहे कैपिटल एम को लेके बना लो, चाहे स्मॉल एम को लेके बना लो, कहीं दोनों से ही आंसर आ जाएंगे। अब चाहे वी वन निकालिए चाहे वी टू निकालो, मतलब कोई एक्शन निकालो, या तो वी टू निकाल लो या वी वन निकाल लो, या तो आप वी टू निकालेंगे या वी वन निकालेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं भैया? तो यस सर, यस सर। हाँ अब करना, लेकिन इसके बाद सिर्फ एक काम ये करना है, टाइम पीरियड निकालने को आता है इसमें। तो टाइम पीरियड किसी भी एक मास को ले लेंगे, किसी भी एक मास को, और ये वाला फॉर्मूला लगाना है मुझे, मतलब टाइम पीरियड निकालने के लिए 2π। अगर आप कैपिटल एम को ले रहे हो तो उसका सरकमफ्रेंस 2πr2 डिवाइडेड बाय v2, या फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए 2πr1 डिवाइडेड बाय v1, दोनों में से कोई एक।
कोई भी एक, तो अगर मैं R1 वाला ले रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं R1 वाला ले रहा हूं तो मैं करूंगा T इक्वल टू 2 पाई, पहले तो आप R1 की वैल्यू पुट करोगे m इंटू डी अपॉन m प्लस m, और फिर V1 की वैल्यू जो यहां पर निकाली जाएगी, तो इसको करोगे आप, लेकिन मैं बता रहा इन दोनों को लेकर के पहले V1 निकालो और V1 की वैल्यू को यहां रिप्लेस करो, मैं तुम्हें आंसर बता दे रहा हूं क्या आना चाहिए, इसके बाद तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए टाइम पीरियड का 2 पाई ओवर रूट ऑफ जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, आंसर बता दे रहा हूं, और डी टू द पावर 3/2, ये आंसर बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। Excuse me, sir. सर वो जो अपने फोर्स का वो एक्सप्रेशन निकाला है वो फिर से बता दीजिए। फोर्स का एक्सप्रेशन, वो तो वो फॉर्मूला है यार सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स का एक्सप्रेशन तो वो है gm1 m2 / r2। अच्छा ओके सर, यस सर। और उसको सेंट्रिपेटल फोर्स जब लिखेंगे तो जिस मास के लिए लगाओगे उस मास की स्पीड देनी पड़ेगी और उस मास के सर्किल का रेडियस चाहिए ना। तो अगर हम कैपिटल एम के लिए जाएंगे तो उसकी स्पीड v2 और कैपिटल एम का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस r2 है, या फिर आप स्मॉल एम को लोगे तो उसकी वेलोसिटी v1 उसका रेडियस r1, दोनों में से कोई एक लो। यस ओके सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। रिजल्ट जरूर देखना, ये रिजल्ट आना चाहिए यार, ड्राइव नहीं हो रहा तो बेकार है। मतलब पहले आपको ऊपर ये g कैपिटल m स्मॉल m / d स्क्वायर और ये m v1 स्क्वायर अपॉन ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है, इन दोनों से पहले v1 का एक्सप्रेशन लाओ और उस v1 की एक्सप्रेशन को यहां टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रखो और ये रिजल्ट बनना चाहिए आपका 2 पाई अपॉन ये करके। ये नहीं बन रहा तो हो सकता हमने गलत लिखा हो, बट मेरे को याद नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ बनता है। Excuse me, sir. So I've heard that the center of mass between those two binary star system is also known as barycenter. Right. It's like astronomy. बिल्कुल right है. Actually, that point remains at rest. Center of mass remains at rest, and the two particles rotate about that point. Yes, sir. I actually have a space simulation game with me. So I've tried actually doing a binary star system, but it always failed. It always is very unstable. It cannot remain for a long period of time. अच्छा, मतलब games का तो I don't have any idea about the game. कभी खेला ही नहीं। No, sir. I've actually tried actually making a binary star system, but it usually failed. Until and unless I get like a very difference between the masses, like if one star is big, the other star is small, and then only it will work. Yes. Right. And that happens with atomic structure also, because the nucleus is so heavy and electron is so light. There also this, the same concept is applicable, the concept of center of mass. Yes, sir. And sometimes when I tried this with the planets, sir, it came stable, but the planet also move. They don't remain at rest. So the center of mass also moves at some direction. Center of mass should not move. So it moves with planets which have roughly same masses. There must be some influence by other planets also. Matlab, beside these two planets, there will be some third planet also. Yes, sir. Then only it can move, because if only two planets are there, then as a system, there is no external force. And so center of mass would not move. Yes, sir. Right. ठीक है सर, ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो यही था आज का।